कोरोना वायरस के चलते पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है। आपको बता दें, लॉकडाउन को आज पूरे 2 महीने लगभग हो चुके हैं, जिसको लेकर गाजियाबाद में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों की बात करें तो 178 कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले मिल चुके हैं, जिसमें से 115 लोग ठीक होकर अपने घर चले गए। आप देख सकते हैं तस्वीरें, इस वक्त हम गाजियाबाद के हापुड़ चुंगी चौराहे पर मौजूद हैं। हापुड़ चुंगी चौराहा गाजियाबाद के मेन चौराहों में माना जाता है। सबसे ज़्यादा जो आम दिनों के अंदर जो सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है वो इसी चौराहे के अंदर रहती है। आप देख सकते हैं पुलिस पूरी तरह से चेकिंग कर रही है, पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर पुलिस की चेकिंग है। जो भी गाड़ियां आवश्यक आ रही हैं उनके खिलाफ़ पूरी पुलिस कार्रवाई कर रही है, उनको समझा रही है कि अपने घरों के अंदर रहें, को लॉकडाउन का पालन करें। लगातार जो गाज़ियाबाद में कोरोना वायरस के संक्रमण है वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर अब गाज़ियाबाद पुलिस ने भी जो जनता है उससे अपील तेज कर दिए। हमारे साथ प्रदीप जी हैं, इनसे सीधी बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? प्रदीप चौधरी, भारतीय जनता पार्टी का मीडिया महानगर संयोजक हूँ। प्रदीप जी, बताइए, लॉकडाउन को आज लगभग 2 महीने हो गए हैं पूरे, तो किस तरीके से लोगों को आपने समझाया, किस तरीके से लोगों से अपील की? देखिए, जनता का मैं तो आपके माध्यम से बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ, क्योंकि मात्र PM साहब के संबोधन और निवेदन पर जिन्होंने जिस प्रकार से संयम रखते हुए इस महामारी में जो साथ दिया है उसके लिए वास्तव में जनता के लिए मैं नतमस्तक हूँ। ये थे हमारे साथ प्रदीप जी, इन्होंने बताया कि लगातार जो कोरोना वायरस की महामारी है उसको बचने के लिए अपने घरों के अंदर रहें। फिर आपको एक बार तस्वीरें दिखाएंगे, पुलिस की जो महिला कॉन्स्टेबल हैं वो इस दोपहरी के समय में भी यहाँ पर ड्यूटी कर रही हैं, लोगों को समझा रही हैं कि अपने घरों के अंदर रहें, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचें। ड्यूटी पर तैनात यहाँ एक दरोगा जी, इनसे सीधी बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? SI बबलू जी। बबलू जी, किस तरीके से आप लोगों को समझा रहे हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए? लोगों को बताया जा रहा है, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो पैदल जा रहे हैं, उनको रोक करके उनको एक इकट्ठा किया जा रहा है, शेल्टर हाउस भेजा जा रहा है, क्वारंटाइन उनको जो है वहाँ से उनकी व्यवस्था की जा रही है प्रशासन के द्वारा। उनको जो है उनके ग्रह जनपद और उनके जिले राज्य तक जो भी व्यवस्था की जा रही है उसके द्वारा उनको भेजा जाएगा। कोई भी जो है पैदल साइकिल से, मोटरसाइकिल से, या किसी ट्रक या बस में चढ़ के नहीं जाएगा, जो प्रशासन द्वारा भेजा जाएगा उसी से द्वारा जाएगा। तो ये थे हमारे साथ, इन्होंने बताया जो मजदूर हैं उनको पूरी तरह से जो पैदल जा रहे हैं उनको रोका जा रहा है, उनको रोकने के बाद शेल्टर होम उनको पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि जो मजदूरों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं उन पर रोक लगा सकें। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हर जिले के अधिकारी को ये आदेश भी दिए कि कोई भी मजदूर पैदल सड़कों पर जाना नहीं दिखना चाहिए। सोनू खान के न्यूज़ इंडिया, गाज़ियाबाद।